दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सांदेर के तालुका विधि सेवा समिति की ओर से महालोक न्यायालय का आयोजन 28 सितंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 3738 मामले आपसी रजामंदी से सुलझाने हेतु रखे गए थे, जिसमें 1553 मामलों में दोनों पक्षों द्वारा सुलह कर सुलझाए गए हैं। लोक अदालत में सुबह से ही पक्षकार एवं वकीलों में मामले आपसी सहमत से निपटाने में उत्सुकता देखी गई है। इस भव्य लोक अदालत की शुरुआत ऐसे सरदार दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सावनेर एसआर भरड़, सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सावनेर एनवी रणवीर, द्वितीय सह दीवानी न्यायाधीश एडवोकेट पल्लवीताई मुलमुले, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सावनेर आदि की प्रमुख उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस लोक अदालत में मामलों के निपटारे हेतु पैनल गठित किए गए थे, जिसमें ऐसे सरदार दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सावनेर तथा बीएम पुरे और एसआर भरड़, सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सावनेर तथा एनवी रणवीर, द्वितीय सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सावनेर तथा युवाद पवार, इनके सहयोग से दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर और कनिष्ठ स्तर के दोनों पक्षों की रजामंदी से 1553 मामलों के निपटारे की गए। इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु एडवोकेट मनोज खंकारी, एडवोकेट भोजराज सोनकुसरे, एडवोकेट श्रीकांत पांडे, एडवोकेट शैलेश जैन, एडवोकेट माहेश्वरी, एडवोकेट शर्मा, एडवोकेट पूरे, एडवोकेट विजय बेटकर, एडवोकेट बांद्रे, एडवोकेट एमपी चौधरी, एडवोकेट माधुरी खंकारी आदि ने परिश्रम लिए। इस अवसर पर ऐसे सरदार न्यायाधीश वरिष्ठ दीवानी स्तर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वादी व प्रतिवादी में आपसी सुलह कर मामलों का निपटारा होने से उनमें आपसी संबंध अच्छे रहते हैं तथा उसका सकारात्मक प्रभाव उनकी आपसी संबंधों पर होकर संबंध मधुर होने में सहायक होते हैं, साथ ही उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने से निजात भी मिल जाती है। मालोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां ना कोई एक हारता है ना कोई एक जीतता है, इसमें दोनों पक्षों की जीत होकर संबंध में आई खटास दूर होकर आपसी सद्भाव भी बढ़ता है। आज भी ऐसे अनेक मामलों का निपटारा किया गया जिसमें छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में अनबन होकर मामला अदालत पहुंचा था, जिसे दोनों पक्षों ने रजामंदी के साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया, जिन्हें न्यायाधीश एस एस सरदार सावनेर बार एसोसिएशन की अध्यक्ष एडवोकेट पल्लवी ताई मुलमुले आदि ने पुष्पगुच्छ देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वही सह दीवानी न्यायाधीश एस आर भरत ने अपने विचार व्यक्त कर वादी प्रतिवादी ने न्यायालय में प्रलंबित अपने न्याय प्रविष्ट मामले महालोक अदालत में रख उनका निपटारा करे ताकि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसा निवेदन किया। वही इस महालोक अदालत में बैंक पद संस्था नगर पालिका से बकाया घर तथा पानी पट्टी टैक्स व कर्जदारों के बीच आपसी निपटारे में कुल 34,38,190 रुपए की रिकॉर्ड वसूली होकर मामलों का निपटारा हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ दीवानी न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय सावनेर के आर डी चिमोटे, एस एम मिसार, ए वी सोलंकी, पी के झोड़ापे, खान सोड़े, ए सी जुमरे, पी आर सोनकुसरे, एस जी आमले, जे डी चिंधालोरे, कापसे आदि सह कर्मचारी अधिकारी ने सहभाग लिया कि वो सगळ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे मायेच्या स्वरूपाने त्या न्याय देणे। मॅडम, माझा एक साधासा प्रश्न आहे की लोक अदालत म्हणजे काय आणि लोक अदालतीचा फायदा लोकांनी कसा घेतला पाहिजे? जेव्हा नियमितपणे आपण न्यायालयामध्ये एखादा खटला दाखल करतो, क्रिमिनल केस असो किंवा सिव्हिल केस असो, त्याच्यामध्ये ट्रायल चालतं आणि एक पक्ष त्याचा विजयी होतो आणि दुसरा हरतो आणि त्याच्यानंतरही मग बरेचसे अपील करता येतं, तुम्हाला रिव्हिजन करता येतं आणि ती मोठी प्रक्रिया होते। परंतु लोक न्यायालयाची संकल्पना फार मोठी आहे। लोक न्यायालयामध्ये जेव्हा एक पक्ष न्यायालयामध्ये येतो न्याय मागण्यासाठी आणि दुसऱ्या पक्षाला बोलवण्यात येतं, तेव्हा असा प्रयत्न करण्यात येतो की दोघांनाही विन विन सिच्युएशनवर आणून ठेवायचं, कुणालाही फार नुकसान किंवा फार फायदा न होता दोन्हीही पक्ष संतुष्ट होतील आणि त्या प्रकारे प्रकरणाचा निपटारा होईल या गोष्टीचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून ही संकल्पना उदयास आलेली आहे। आणि ह्याच्यानंतर अपील किंवा रिव्हिजन नाही, त्यामुळे ते प्रकरण तिथेच थांबतं आणि न्यायालयामध्ये जे पेंडेन्सी आहे तीही त्या प्रमाणात कमी व्हायला मदत होते आणि दोन्ही पक्ष आनंदी होतात। हाच थँक्यू मॅडम, थँक्यू। ये जो सुविधा है तो सब पक्षकारों को और जिनके केसेस नहीं हुए हैं ऐसे लोगों में मिलके अपना खुद का जस्टिस जो है उन्होंने करना, इसके लिए ये जो केसेस जो है रखते हैं इसमें प्री लिटिगेशन है जिसको मराठी में दाखल पूर्व दावे बनता, वैसे जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस जो है तो उसमें पक्षकार खुद होके आपस में बैठ के उनमें चर्चा हम कराते हैं और उस हिसाब से
उनको जैसा पसंद आएगा उस हिसाब से वो अपना केस डिसाइड करते। इस वजह से कोर्ट में ना तो कोई हारता है और ना जीतता है, और फ्यूचर में होने वाली जो दुश्मनी जो है वो दुश्मनी कम हो जाती है। सर अभी एक जो कुछ कानून की धाराएं जो बदली हुई हैं, तो अपने पास में जो केसेस हैं वो पुरानी धाराओं के आधारित दर्ज हैं, और अभी जो नई धाराएं बनी हैं तो उसमें कुछ अड़चने या तकलीफें? नहीं, तो जो पुरानी धारा जो है तो पुरानी धारा के हिसाब से जो पहले जो यानी कि ऑफेंस होते वक्त गुनाह करते वक्त जो धाराएँ लगी हुई थी उस हिसाब से CRPC के तहत ये चलेगा। अब फिलहाल में नए जो केसेज नए केसेज तो आ रहे नहीं है, जो कुछ पुराने पेंडिंग केसेज जो है तो CRPC के तहत ही चल रहे हैं। आप वरिष्ठ स्तर के न्यायाधीश हैं, आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि वह लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस प्रकार से? मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि उन्होंने आपस की जो मैटर जो है वो आप खुद डिसाइड करें और हमारे पास आइए। पार्टीशन सूट है, भाई के बहनों की जो बाप दादू की स्टेट जो है, यदि उनमें पार्टीशन नहीं होता तो वो हमारे पास आए, हम उनको लीगली उनको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करके वे आपके कैसे कैसे शेयर बन सकते हैं ये हम उनको दिलास बता सकते हैं, और वो अपना खुद न्याय कर सकते हैं, न्याय करके और खुद का परिवार एक संगठित रहे और कोई मनमुटाव ना रहे। बराबर, थैंक यू सर। NBC न्यूज़ के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।